हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में देखेंगे गूगल की तरफ से जो मुझे मेल आया और जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा होगा उन लोगों को मेल आ गया होगा, तो आप लोग मेक श्योर करें अपना एक बार अपने ईमेल को जरूर चेक करें अगर इनबॉक्स में या फिर स्पैम फोल्डर में। यहाँ पर आपको स्पैम फोल्डर देखने को मिल जाता है। ये आज की सुबह 7:20 AM पे ये मेल आया गूगल की तरफ से, जो रोल था जिसमें मैंने अप्लाई कर रखा था टेक्निकल सोल्यूशन कंसल्टेंट। मैं इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियोज़ बनाता हूँ गूगल के ऊपर में, तो आप लोग ट्राई करो सभी में अप्लाई करने का और आपको किस तरह से रेज्यूमे बनाओ कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप इस वीडियो को मेरा देख सकते हो। इसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि एक फैंग जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए आपका किस तरह से रेज्यूमे होना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे के सारे मैंने यहाँ पर गाइड को मैंने सारे के सारे चीज़ को यहाँ पर मैंने बताया एक्सप्लेन करके। और आप अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टेक्निकल सोल्यूशन कंसल्टेंट है इसके ऊपर मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपका पैटर्न टाइम किस दिन एग्ज़ाम होगा, डिटेल्स में बताऊँ कैसे आपको रजिस्टर करना है इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखेंगे यहाँ पर आया है मुझे हाई मेरा नेम है अफसर गेटिंग फ्रॉम गूगल आवर स्टाफिंग टीम आइडेंटिफाई योर प्रोफाइल एज अ पोटेंशियल फिट फॉर आवर नीड्स ऑन द टेक्निकल सोल्यूशन कंसल्टेंट। मैं बता दूँ मैं भी फाइनल ईयर में हूँ और ये मुझे मेल आया है। In India, we would like to invite you to participate in Google online challenge, which help us gain an understanding of your technical skill set. ये आपको टोटल 25 मिनट्स का चैलेंज होने वाला है, जो आपको बैकग्राउंड चेक वो लोग करेंगे कि आपको क्या आपको स्किल्स है और गूगल हायरिंग प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको उसमें होगा। ठीक है, देखिए तो हाउ इट्स वर्क, आपको इसमें टोटल 26 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट रहेगा, मतलब MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेंगे और आपका एक कोडिंग क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आई थिंक 25 आपका टेक्निकल क्वेश्चन और एक आपका कोडिंग क्वेश्चन, ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किसी किसी कौन कौन क्या क्या कवर होगा, नेटवर्किंग, वेबटेक, लिनक्स, यूनिक्स, डेटाबेस एंड कोड फंडामेंटल्स। इसके ऊपर पढ़ाई करना होगा तो आप सिंपल से गूगल से पढ़ सकते हो, फिर आपने जो कॉलेज में पढ़ रखा होगा उसमें भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को अगर बहुत लोगों का ये मेल आया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए मैं PDF फॉर्मेट में लेके आ जाऊँगा ताकि आप वहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अगर एक दो को आया होगा तो मतलब फिर भी मैं बना दूँगा, फिर भी आप लोग बताइएगा जरूर किसको किसको यह मेल आया है गूगल की तरफ से, क्योंकि इसका मैंने ही वैकेंसी डाला था अपने वीडियोज़ में, उन्हीं से उसी के पास से ये रिप्लाई आया है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा टू पार्टिसिपेटेड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको ध्यान में देना कि आप जब रजिस्ट्रेशन करें तो अपना ईमेल आईडी को जरूर चेक कर ले, जिस ईमेल आईडी में आपको मेल आया उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 दे सकते हो, अपना यूनिवर्सिटी का नेम देना है ना कि कॉलेज का नेम, या ध्यान में रखें ये बात। उसके बाद आपको नीचे में आपका आएगा कुछ सब्सक्रिप्शन का बोल के गूगल आपको मेल करेगी इन फ्यूचर, अगर कोई भी अगर कुछ वैकेंसी आती है तो आपको दोनों में टिक करके सबमिट कर देना। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑनलाइन चैलेंज, आपको जाके चैलेंज पे स्टार्ट चैलेंज नहीं करना है, आपको वेट करना है कब का देखेंगे। इन्होंने बताया कि ये लाइव जाएगा 9 AM 5th March 2021 से लेकर अगले दिन के रात के 9 AM तक। यू कैन पार्टिसिपेट, आप लोग इसके किसी भी टाइम पार्टिसिपेट कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। 45 मिनट्स का 26 क्वेश्चन, 1 कोडिंग क्वेश्चन, 25 इज अदर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या होगा देखेंगे तो चैलेंज रिक्रूटर विल नॉट पोस्टेड ऑनलाइन, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका ऑनलाइन पोस्टेड नहीं होगा। ए रिक्रूटर और प्रोग्राम टीम विल टच इफ़ यू आर सिलेक्टेड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। आपको पता गूगल की जो स्टेपिंग होती है सिलेक्शन प्रोसेस की वो बहुत लंबा होता है, तो आप लोग ध्यान में रखें कि आपको लोग कॉन्टेक्ट करेंगे ना कि आपको कहीं से ये आएगा, कहीं पर आप रिजल्ट देख सकते हो। प्लीज़ रिमेंबर दैट वी एवलुएट योर कंटीजेंसी एंड द चैलेंज इज ओनली पार्ट ऑफ आर ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसका प्रोसेस एक लाइन दो लाइन का नहीं होता है। इसका पहले भी मुझे गूगल की तरफ से जो था गूगल SWE इंटर्नशिप के ऊपर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें कोचिंग क्वेश्चन को लेकर, तो आपको किस तरह से रिज्यूमे बनाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा। अगर आपने इसका चेक नहीं किया तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें मैंने बहुत कुछ आप लोग के लिए गाइड कर रखा है। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ को बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो आपको ऑनलाइन जब सर्च मारोगे ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। ये देखेंगे तो गूगल ऑनलाइन असेसमेंट गाइड, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपको टिप्स इन्होंने पूरा अच्छे से ये दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ। आप मैं इसका लिंक क्या करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग यहाँ पर जाके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जितना देखो गूगल के लिए जितना पढ़ो उतना कम है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन अपने से प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा और क्वेरा को जरूर फॉलो कीजिएगा आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट आता है तो। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पर बिलोंग करते हैं और वो लोग अपना क्वेरीज यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, देखिए तो ये जो था आई रिसेंटली इंटरव्यूड विद गूगल फॉर टेक्निकल कंसल्टेंट रोल। अरे ऐसा मत सोचो कोई क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के आएंगे, क्वेश्चन बहुत मीडियम लेवल के आते हैं, आप लोग से आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेन बात होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत
अच्छा लेवल का इंटरव्यू होता है, तो ट्राई करो। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे आके इनका जो जिम्मी सैदी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फेसबुक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि देर आर फाइव इंटरव्यू बट जनरली आई बिलीव फोन स्क्रीनिंग ऑन साइट वन, ऑन साइट टू, ऑन साइट थ्री, ऑन साइट फोर। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको प्रिपरेशन क्या क्या करना है, ठीक है, वो हम लोग पहले बात कर लेते हैं। व्हाट टू प्रिपेयर, आई सजेस्ट यू टू HTTP कुकीज़ इन डेप्थ, व्हाट वेरियस HTTP कोड्स, ये पूरा चीज़ में आपको मैं इसका लिंक ही दे दूंगा, आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है, आपको यहाँ पर इन्होंने लिंक भी मेंशन कर रखा है। पार्टिसिपेटिंग एक्सप्लेनिंग HTML SQL डेटाबेस, यहाँ पर पूरा ट्रबल शूटिंग रिफ्लेक्ट, ये पूरा इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, देखेंगे तो इनका वोट भी है 80, मतलब एक 81K है इनका वोट्स, तो इसको आप लोग जरूर एक बार फॉलो करें और अच्छे से पढ़ें एक बार कि इन्होंने क्या किया, जिसको इसको मिला है उन्हीं को, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कुछ है, यहाँ पर जैसे इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, ये सैलरी है इनका लाइक आपका 26.6 LPA का सैलरी है इनका, ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, और इस सब पे फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक भी दे दूंगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा और इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो फिर होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।